हेलो, मैं राकेश कुमार आपका फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जस्ट आस्क फिजिक्स पे। ठीक है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक है, तो देखिए आप इस चैनल पे जैसा कि आप क्या पूछ सकते हैं, कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं बाई यूजिंग ईमेल जस्ट आस्क फॉर जेई नीट फिजिक्स, जस्ट आस्क फॉर जेई नीट फिजिक्स एट द रेट ऑफ gmail.com। ठीक है, PHY सिर्फ यहाँ लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इजीली भेजना चाहते हैं तो 9572128142 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। ठीक है, आपके सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। आप देखिएगा, इस ये चैनल इसलिए भी बनाया गया है कि जैसे कि आप कोई भी डाउट पूछते हैं, ठीक है, तो वो इस चैनल के कंटेंट के फॉर्म में बनेगा। मतलब ये किसी बच्चे का डाउट है अभी हम बताएंगे, कोई भी इसको देखिएगा तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी वीडियो सॉल्यूशन देखिए तो कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा और आपको हेल्प होगा। ठीक है, इसीलिए ये मकसद ही इसका यही है कि इस चैनल का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस पर डाउट पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनता जाएगा, इसलिए हमने ये चैनल बनाया। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये उसका डाउट भी इसका कंटेंट होगा। और आप कभी भी आप जैसे कि मान लीजिए इस चैनल पे अभी फिलहाल के जैसे कम से कम डाउट है, जैसे जैसे पूछेंगे लोग और डाउट कलेक्शन होता जाएगा और हर एक तरह का आपको चैप्टर वाइज इसमें बना दिया गया है, तो चैप्टर वाइज आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप उससे गो थ्रू होके अच्छा हेल्प होगा आपको। ठीक है, चलिए, एक बच्चे का डाउट क्या है, एक बच्चे का डाउट है एक डीसी मेन सप्लाई है जिसका EMF है 220 वोल्ट। ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 200 वोल्ट। मतलब एक डीसी मेन सप्लाई है जिसका EMF है 220 वोल्ट, उसको कनेक्ट किया गया है ना 200 वोल्ट के किसी स्टोरेज बैटरी से थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इसको जो कनेक्ट किया गया है 1 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। इस ये क्या है आपका, ये मेन सप्लाई 220 वोल्ट जो है ये मेन सप्लाई है और ये आपका स्टोरेज बैटरी जिसको कनेक्ट किया गया 1 ओम के रजिस्टर से। ठीक है, तो चलिए ये पहले हम यहाँ तक जो इसके बाद क्या कह रहा है ये भी पढ़ी है। द बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, बैटरी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। तो इसमें ये क्लियर नहीं कह रहा है कि कौन से टर्मिनल को बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट किया जाना चाहिए आर से, सो दैट द करेंट पासिस थ्रू द बैटरी टू चार्जेस। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही हम बना सकते हैं, जैसे चार्जिंग ऑफ बैटरी के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक बार अगर ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप रेजिस्टेंस को ऐसे ही कनेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं कि एक कहा जा रहा है कि सोर्स है जिसका EMF कितना है, तो 220 वोल्ट। ठीक है, इसको इसके थ्रू किसी बैटरी को चार्ज करना है 1 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके इसको चार्जिंग पे लगाइए, और चार्जिंग आपको पता है ना, चार्जिंग करने का कंडीशन क्या, पॉजिटिव पोल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ऐसा बनाएंगे क्योंकि चार्ज करना है ना, तो सेम पोल को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है 1 R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो 1 R ओम का रेजिस्टेंस इस बैटरी से कनेक्ट करने से कोई कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है R और ये है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये है 200 वोल्ट और ये है 220 वोल्ट। कंडीशन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ R, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R बताइए, है ना, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ R, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो दैट द करेंट पासेस थ्रू द बैटरी टू चार्ज। ठीक है, मतलब करेंट जो है बैटरी से पास करे, R का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। मतलब अच्छा, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी आप कंडीशन पढ़े हैं, किसी भी बैटरी को चार्ज करने का क्या कंडीशन है कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 200 वोल्ट का बैटरी है, 200 वोल्ट का बैटरी, क्या इसको 10 वोल्ट के बैटरी से चार्ज करेंगे, नहीं ना, 10 वोल्ट को ये चार्ज कर देगा अगर रिचार्जेबल बैटरी हो, है ना। तो ये 200 वोल्ट का बैटरी है तो इससे बड़े पावर का बैटरी ही इसको चार्ज कर पाए। तो सिंपली अगर आप सोचिए तो ये टर्मिनल को ए कहिए, ये टर्मिनल को बी, तो इस बैटरी को अगर चार्ज करना है तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, है ना,
ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल लगाएंगे, मतलब वी ए माइनस वी बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इस ई एम एफ से, है ना, ई एम एफ ऑफ दी बैटरी की। किसी भी बैटरी को चार्ज करने का कंडीशन क्या है कि इस वी ए माइनस वी बी, इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी लार्जर देन द ई एम एफ ऑफ दी बैटरी, तभी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बैटरी चार्ज होगी। तो कहने का मतलब इस केस में ये अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 200 वोल्ट, तभी बैटरी चार्ज होगा। आप ऐसे याद भी रखिएगा, है ना, क्या याद रखेंगे कि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए टीपीडी, टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ से क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये बैटरी है 200, इस टर्मिनल को अगर ए कहा दिया जाए, इस टर्मिनल को बी कह दिया जाए, तो ए और बी ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 200 वोल्ट के। ठीक है, अब देखिए इसमें चार्ज होने के लिए मिनिमम कम से कम करंट पास होना चाहिए इसमें, और इसमें देखिए मिनिमम पूछा जा रहा है, आर का मिनिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे करंट का मिनिमम वैल्यू आप कंसिडर क्या कर सकते हैं, करंट का मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं आई मिनिमम इक्वल टू जीरो, तो टेंडिंग टू जीरो कंसीडर करिए, जीरो से हल्का भी प्लस होगा तो चार्ज ही करेगा, तो जीरो से हल्का भी प्लस होगा तो चार्ज ही करेगा। तो मान लीजिए ये मेन सप्लाई आई है, तो यही करंट अगर यहाँ टेंडिंग टू जीरो मान ले तो यही इस आई इसमें जाएगा और यही आई फिर फाइनली यहाँ कलेक्ट होगा। आप या तो लूप ला लगाइए या डायरेक्ट भी मेथड से आप समझ सकते हैं कि आई कितना होगा। आई जो होगा इस बैटरी को तो आपने कंसिडर करा नहीं है, इस बैटरी को आपने कंसिडर करा नहीं है, तो आई जो अगर इसमें लिखिएगा तो आई क्या लिखेंगे, ये आई मैक्सिमम होगा, आई क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, आई क्या होगा मैक्सिमम। आप इस बैटरी के ईएमएफ इधर से करंट क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, टेंडिंग टू जीरो, तो आई मैक्सिमम कितना होगा, तो देखिए ये आई रहा इधर और एक आई यहाँ, सॉरी ये आर ना, ये आर और ये एक ओम, और ईएमएफ कितना 220 वोल्ट, तो जो करंट होगा वो होगा 220 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 ओम। क्लियर है? ठीक, अब देखिए ये आई मैक्सिमम पता चल गया। ठीक है, तो करंट पता चल गया, अगर करंट पता चल गया तो इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर यही है, तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा, और ये आई इंटू आर शुड बी ग्रेटर देन 200 वोल्ट होना चाहिए, तो आई कितना है 220 R divided by R plus 1 जो है ये greater than होना चाहिए किससे, 200 volt से। अब यहां से एक शून्य से काट लीजिए, ये हो जाएगा greater than होना चाहिए 20/22 से, R divided by R plus 1 should be greater than 20/22। अब LCM वगैरह ले लीजिए या multiply कर लीजिए cross, ये 22R greater than होना चाहिए 20R plus 20 के, इसको इधर भेजिए हो जाएगा 2R should be greater than 20, R should be greater than 10, तो रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए 10 ओम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को 10 ओम से बड़ा होना चाहिए ताकि बैटरी क्या हो सके, ये 200 वोल्ट वाला चार्ज हो सके। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि चार्जिंग ऑफ बैटरी का कंडीशन क्या होना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इसी कंडीशन को हमने यहाँ लगाया और आई मिनिमम के करस्पॉन्डिंग आई मैक्सिमम यहाँ पे इस पे बैटरी को चार्ज करने के लिए मिनिमम करंट क्या चाहिए, जीरो से प्लस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए आपको मिनिमम पूछा जा रहा है 10 से बड़ा, जैसे ही रेजिस्टेंस 10 से बड़ा होगा तो इससे करंट का अपोज होगा, तो करंट ज्यादातर इससे जाना चाहेगा, यहाँ पे इनफिनाइट आर इनफिनाइट रहेगा तो इस पे क्या होगा, सारा करंट इधर से ही जाएगा। बात समझ आ रहा है, आर अगर यहाँ इन्फेनाइट रहा तो सारा करंट किधर से जाएगा, इस वाले बैटरी से ही होगा। तो जैसे जैसे, कहने का मतलब इस बात को समझिए, इसमें क्या जा रहा है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर मतलब आर का वो मिनिमम वैल्यू बताइए कि बैटरी चार्ज हो, बैटरी चार्ज होने के लिए करंट इससे पास होना जरूरी है बैटरी से अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर इस कम से कम अगर 10 रहा तो यहाँ से जीरो पास होगा या जीरो से प्लस, तो जैसे जैसे R पैरेलल में बढ़ाएंगे उसके पैरेलल वाले ब्रांच में करंट बढ़ता जाएगा, तो R को जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस वैल्यू ऑफ R को, बैटरी से करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बैटरी
उतना इजीली चार्ज होगा। तो आर का मिनिमम वैल्यू 10 होना चाहिए, तो आर मिनिमम, लेकिन ऑप्शन में आपका 10 तो दिया नहीं है, 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा आंसर करेंगे, 10 से बड़ा क्या है 11, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। ठीक है, तो आर मिनिमम क्या होना चाहिए, आर मिनिमम होना चाहिए 10 ओम, और आर मिनिमम आपके आंसर के हिसाब से क्या है 11 ओम, क्योंकि ऑप्शन में 10 से बड़ा एक ही दिया है, ये करेक्ट ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो बेहतर है ज्यादा से ज्यादा अगर समझ आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस चैनल का कंटेंट बढ़ेगा, कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इजिली, 10-20 क्वेश्चन भी देखते रहिएगा रोज, तो आपको अच्छा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप दिस विल हेल्प यू, थैंक यू।